हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रेडी तो मैं हो गई हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं गाड़ी पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा प्लान जो है सब में पानी फैल गया। पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हमारा प्लान क्या था एग्जैक्टली, पहले वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट ब्लॉग में भी मैं बताई थी ना कि सुबह के 7:15 बजे हमारा भागीरथी एक्सप्रेस में टिकट है। तो पापा तो टोटो बुक करके ही रखा था। हम लोग सुबह सुबह निकल जाने वाले थे 6 बजे के आसपास घर से। 7:15 बजे का हमारा AC में टिकट था, मेरा, बहन का, सौरभ का, सबका। हम लोग अभी तक कोलकाता पहुँच भी चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन वो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि वेदर इतना ख़राब हो गया ना, लगातार बारिश बारिश, आंधी तूफान, जिस वजह से सुबह के टाइम पर हम लोग निकल ही नहीं पाए घर से। क्योंकि टोटो में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग तो बड़े लोग हैं, हम लोग एनी हाउ मैनेज कर लेंगे, लेकिन इतना सारा लगेज है, लगेज तो भीग ही जाता है। और साथ में सबसे जो बड़ी टेंशन है मामा को लेके, इतनी कम उम्र में अगर इतना ज़्यादा तूफान बारिश में हम लोग उसको लेके निकलते ना, कितना भी प्रोटेक्शन लेके हम लोग अगर निकलते, टोपी, सॉक्स, मिटन्स वगैरह डाल के, फिर भी उसको ठंडी लग जाने के एक चांसेस रह जाता था। मम्मी पापा ने इसीलिए बोला कि छोड़ दो, ट्रेन से मत जाओ, ट्रेन का टिकट तो और सेम टाइम पे तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब रिफंड वगैरह तो कुछ मिला ही नहीं। तो वैसे ही ट्रेन का टिकट हमारा पड़ा रहा। पापा ने इमीडिएटली कहीं से एक दो ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है। तो अभी कुछ ही देर में ही गाड़ी वाला आ जाएगा, हम सब लोग गाड़ी में ही निकल जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। तो प्लान हमारा ये था कि हम लोग 10:30 बजे के आसपास सियालदह उतर जाते ट्रेन से। उतरने के बाद वहाँ से एक कैब लेके हम लोग चले जाते कोलकाता में हमारे एक फ्रेंड के घर, मेरे दोस्त के घर पे, थोड़ा रेस्ट लेके उनके घर पे लंच करके, फिर उनके घर से एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक था ना, तो वहाँ से हम लोग आराम से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते थे। लेकिन फिर पूरा प्लान में ही पानी फैल गया। वो लोग हमारे लिए खाना वाना बनाने का बंदोबस्त कल रात से करके रखे थे। सुबह सुबह उन लोगों को फ़ोन करके हमने मना किया कि नहीं, हम लोग नहीं जा पाएंगे, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि कोलकाता में भी सेम ही वेदर चल रहा है, उन लोगों ने भी बोला। तो फिर अभी हम लोग निकलेंगे गाड़ी से। तो पैकिंग वगैरह तो सब कुछ रात के टाइम पे ही हमारा होके रखा हुआ था, तो अभी सुबह के टाइम पे बस फाइनल मोमेंट का जो पैकिंग है वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। मम्मी का सुबह सुबह यहाँ पे खाना बनाना भी हो गया है। अभी यहाँ पे मम्मी चाय तो पहले ही बना के रखी थी ये बहन के लिए, अभी मम्मी चाय छन रही है। और सुबह सुबह उठ के मम्मी ने बना दिया है चावल और मछली कड़ी। चावल तो यहाँ पे हांडी में है और ये रहा मछली कड़ी। फ्रिज में मछली ऑलरेडी था ही, तो हमारा लेट हो गया, मतलब हमें खा के निकलना है, देख के मम्मी ने जल्दी जल्दी यही बना दिया है। मैंने मना किया था बनाने के लिए, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो वैसे भी बनाना ही है, तुम लोग कब पहुँचोगे, फिर कब क्या खाओगे पूरा दिन, तो बेटर है कि मछली भी है, मैं चावल बना देती हूँ, चावल और मछली खा के ही चले जाओ। मैं रेडी हो गई हूँ, बहन भी यहाँ पे रेडी है, सौरभ भी रेडी है, बस मामाम को अभी रेडी करना है। मामाम भी रेडी है? अच्छा अच्छा, मम्मी ने उसको रेडी कर दिया है और शायद उसको खिलाना भी है। खिला दिया क्या? हाँ, खिला भी दिया। चलो सही है, एक तो चिंता हमारा दूर हुई है कि हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं ना, तो इनकेस अगर मामाम को थोड़ा फीड करवाने का ज़रूरत पड़े या तो फिर कुछ खिलाने की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग गाड़ी में ही वो आराम से कर सकते हैं। ट्रेन में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मामाम का अभी रिसेंटली सॉलिड स्टार्ट हुआ है ना, तो वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स करती है, रो धो के चिल्ला के सर ऊपर, मतलब पूरा घर सर के ऊपर कर लेती है, क्योंकि उसको अभी इतना पता नहीं है ना कि उसको हम लोग जो पूरा लिक्विड डाइट से अभी सॉलिड में धीरे धीरे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो उसको पता नहीं चल रहा कि, तो थोड़ा ना कन्फ्यूज्ड है। जब भी उसके सामने हम लोग खाना लेके जाते हैं, वो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल कर पा रही है। मैं तो कुछ दिन खिलाने की कोशिश की, बाप रे, मेरा तो एकदम पूरा पसीना पसीना हो गई मैं उसके चिल्लाने की आवाज़ से, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि रुको, जब तक हमारे यहाँ पे हो मैं ही थोड़ा खिला पिला देती हूँ, उसके बाद फिर बैंगलोर में जाके तुम करना। तो बैंगलोर में जाने के बाद मुझे तो ऑब्वियसली मामा का पूरा जो रूटीन है वो मुझे ही देखना पड़ेगा, और यहाँ पे जितने दिन तक है मम्मी कर रही थी, चलो अच्छी बात है। तो चलो निकी, अच्छा तो हो गया, चलो छुट्टी ख़त्म, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। गर्मा गर्म चावल और मछली करी बहुत दिन बाद ही खा रहे हैं। मम्मी, जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे ना, उस टाइम पे मम्मी सुबह के टाइम पे गर्मा गर्म चावल, आलू चोखा, मछली फ्राई, या तो फिर कभी कभी ऑमलेट, ये सब कुछ बना के देती थी। आज बचपन का वो दिन याद आया। अभी टाइमिंग भी वैसा ही है, पता है, अभी टाइम हो रही है सुबह के 9:30। स्कूल जाते टाइम भी हम लोग एग्जैक्ट इसी टाइम पे ही खा के स्कूल के लिए निकलते थे, तो वही दिन मुझे याद आया। तो ये है सौरभ का थाली,
यह है मेरा थाली, आज हम लोग पेपर प्लेट में खाएंगे। फंक्शन का थोड़ा पेपर प्लेट बच गया था ना, तो अच्छा ही लगता है, थोड़ा फंक्शन फंक्शन फील आता है, तो सोचा क्यों ना इसी में ही खा लेते हैं आज। और एक बार मैं ऊपर आ गई थी, सब कुछ अच्छे से देख लिया, सारा सामान तो पैक हो गया है। मैं ना बेड वेड भी क्लीन करने जा रही थी, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मत करो, छोड़ दो, तुम्हारा लेट हो जाएगा, गाड़ी मोस्ट प्रॉब्ली आ भी गई है। तो हम लोग ऐसे ही सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे ना, फिर मम्मी भी फ्री हो जाएगी, तो मम्मी आराम से सब कुछ कर लेगी। और यहाँ पे मामा का कुछ कैथा वगैरह आप देख सकते हो, ये मैं लेके नहीं जा रही हूँ, इनफैक्ट और भी कुछ कुछ चीज़ें मैं इस बार घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। मेरे ससुराल में भी मैं कुछ चीज़ें छोड़ के गई हूँ, और यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि हमारा अन्नप्राशन का जो गिफ्ट वगैरह जो सब कुछ मिली थी ना, वो उसमें से मुझे जो थोड़ा बहुत काम का चीज़ लगा, जो कि मुझे बैंगलोर में जाके काम आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ लगेज में ही लेके जा रही हूँ। तो इतना सारा सामान ना फिर नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें यहीं पे छोड़ के जाते हैं। वैसे हम लोग नेक्स्ट मंथ तो फिर से आ ही रहे हैं कुछ रीज़न की वजह से, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, ठीक है। बस पूरा डॉट एक महीना, इतने में हम लोग फिर से आ रहे हैं, हमारा टिकट भी बुक है। तो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी टाइम आने पर, अभी इतना जल्दी जल्दी तो बता के कुछ फ़ायदा है नहीं। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, बस मैं ऊपर अभी आ गई थी फाइनल एक बार देखने के लिए सब कुछ सही है। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं मामा का क्या स्टेटस है। खाना तो मम्मी ने खिला दी थी, रेडी हो भी गई है शायद, चलिए देखते हैं। सबका मन बहुत खराब है, मम्मी का, पापा का, सबका। मामा ओ मामा कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर। मामा को देखिए, मम्मी ने कितना अच्छे से रेडी कर दिया है, नया शूज़, नया ड्रेस, ये सारे ड्रेस ना उसको गिफ्ट में ही मिली है अन्नप्राशन में। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए। मामी आ गई है सुबह सुबह, पूजा भी आ गई है, पापा बैठे हुए हैं, मम्मी तो है ही, भाई अभी मार्केट गया है, भाई भी आ जाएगा कुछ ही देर में। गाना सुनिए, गाना অনেক কথা বলছ। কি বলছো তুমি, কি বলছো, বাই বাই বলছো সবাইকে? হ্যাঁ, সবকা মন থোড়া খারাপ, মম্মি কা ভি, পাপা কা ভি, মামি কা ভি, সবকা মন খারাপ হ্যাঁ, সবাইকে তুমি দুঃখ দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু मामा खुद हंस रही है और सबको रुला रुला रही है बैठे बैठे। Thank you.
फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं लगातार 5 से 6 घंटे के कार जर्नी के बाद। अभी तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा हम लोग को एयरपोर्ट में ही बैठे रहना पड़ेगा। हम लोग ना हाथ में थोड़ा टाइम लेके ही निकले थे वेदर की वजह से, फिर पता नहीं कहाँ पे कैसा वेदर होगा अगर कुछ डिले वगैरह हो जाए, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा हाथ में टाइम लेके आ गए हैं। लेकिन अभी जो आके यहाँ पे 4 घंटा बैठे रहना पड़ेगा ना, वो तो बोरिंग है ही, उससे भी ज़्यादा बोरिंग है हमारा 2.5 घंटे का फ्लाइट टू बैंगलोर। क्योंकि अगर डे टाइम का फ्लाइट होता है ना, उस टाइम पर ना खिड़की से थोड़ा बाहर बादल वगैरह देखते देखते वैसे भी टाइम स्पेंड हो जाता है, और रात के फ्लाइट में तो मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बाहर सिर्फ अंधेरा अंधेरा, तो उस टाइम पर और ज़्यादा बोरिंग फील होती है। अभी देखते हैं, मामम को लेके ही थोड़ा सा टेंशन है। अभी तक तो वो एकदम गुड गर्ल के तरह आ गई है मेरे होम टाउन से कोलकाता एयरपोर्ट तक। अभी एयरपोर्ट में तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन अभी पता नहीं कि फ़्लाइट में वो कैसा बिहेव करेगी। वैसे जिस दिन हम लोग कोलकाता आए थे उस दिन तो वो एकदम गुड गर्ल होके ही रही थी पूरा जर्नी में। आज देखते हैं क्या। मुझे लेकर ज़्यादा टेंशन है उससे ज़्यादा। मेरे आने के टाइम पे जो हालत ख़राब हो गया था, बहन अकेली बैठी थी ना, तो इसलिए उसको डर लग रहा था। मतलब वही होता है ना, हाइट फोबिया, तो वो मेरे बहन को थोड़ा सा इशू है। कोलकाता आते दिन तो वो अकेली बैठी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा अनइजी सा फील हो रहा था। आज देखते हैं। आज तो वैसे हम तीनों का एक मतलब सेम सीट है। चेक इन हमारा हो गया है, लगेज ड्रॉप कर दिया है, जो कुछ भी हमें लगेज में देना था, और ये सारा जाएगा हमारे साथ फ्लाइट के अंदर। और ये देखिए, जिसके लिए स्ट्रोलर यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। मामम है मेरे बहन के गोदी में। ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्यों वो इधर क्यों नहीं रही? पता नहीं, उसको शायद नींद आ गई। ओह, नींद आ गई है शायद। पापा सुला दो बेटी को, बेटी को नींद आ गई है, सुला दो। चलो सुलाएंगे, सुलाएंगे। सोने के मूड में नहीं है, सोने के मूड में नहीं। नहीं नहीं, मत रो बाबा, बैंगलोर जाके रोना, ठीक है? और बस कुछ ही घंटा, प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज। चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी एक बार आ गई थी बेबी केयर रूम में। मामा को थोड़ा सा फीडिंग भी करवा दिया है, उसको भूख लग गई थी, और साथ में डायपर वगैरह भी चेंज करना था थोड़ा, तो वो भी कर दिया है। लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट के फीडिंग रूम से बेटर है बैंगलोर एयरपोर्ट का फीडिंग रूम, है ना? वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, सिर्फ ये जो डायपर चेंजिंग स्टेशन है ना, यहाँ पे सिर्फ बॉडी लोशन, क्रीम, सैनिटाइजर हिमालय का रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ना और भी काफ़ी सारे ब्रांड का रखा हुआ है कि आप आपके बेबी को जो कुछ भी आप यूज़ करते हो ना प्रोडक्ट, सब कुछ हर एक ब्रांड का ही वहाँ पे था। तो और वो थोड़ा सा स्पेशियस भी था बैंगलोर का, कोलकाता का वाला थोड़ा सा छोटा है, बट हाँ ठीक है, मतलब काम चलाने लायक ही है, ठीक ही है। लेकिन एक साथ एक या दो से ज़्यादा कोई यहाँ पे फीड नहीं करवा सकता अपने बेबी को, क्योंकि सोफ़ा बहुत ही छोटा है, एक्स्ट्रा कोई चेयर वगैरह कुछ है नहीं। तो सौरभ अभी वेट कर रहा है बाहर, तो चलिए अभी चलते हैं। हेलो, मामा का पेट पूजा तो हो गया, अभी हमारी बारी। तो यहाँ पे हम लोग फूड कोर्ट में अभी आ गए हैं, और केएफसी से ऑर्डर कर दिया है कॉम्बो पैक, जिसमें है 6 पीस ऑफ हॉट एंड क्रिस्पी चिकन, और 3 चिकन जिंगर बर्गर भी है, साथ में है 3 कोक। तो मामा देखिए अच्छे से फीड लेके यहाँ पे अभी सो गई है, बहन अभी मोबाइल देख रही है, और हम सब लोग मिलके अभी थोड़ा इवनिंग स्नैक्स खा लेंगे। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, दिविशा बनर्जी, शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, सौरभ बनर्जी, सुनंदिता चक्रवर्ती। बहुत अच्छी सी नींद ली है, अभी तो जागी हुई है। मैं बस होप कर रही थी कि वो इतने टाइम तक जागी हुई रहती और अभी फ़्लाइट पे चढ़ने के बाद सोती, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन अभी देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, थोड़ा थोड़ा दुख दुख हो रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। ये रहा सौरभ और बहन, बस अभी वेट कर रहे हैं कि फ़्लाइट जल्दी से जल्दी टेक ऑफ हो जाए। बाहर तो वेदर अभी भी बहुत ख़राब है, लेट्स सी, फ़्लाइट थोड़ा सा डिले भी है।
एक अच्छी सी नींद लेके अभी अभी उठी है और केबिन क्रू आई थी, मामम के साथ बहुत बातचीत की है, बहुत प्यार की है उसको, और जाते टाइम मामम को एक डिस्पोजल ग्लास देके गई है खेलने के लिए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट रहे। पूरा ग्लास लेके ही उसका फ्लाइट का जर्नी जो है वो गुजर गया। मामा खतरनाक नींद, फ्लाइट डिले होने की वजह से अभी टाइम हो गया है रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास। ऐसा लग रहा है कि कब घर जाके मैं सो जाऊं, लेकिन मामा को नींद नहीं है क्योंकि मामा तो कुछ ही देर पहले नींद से उठी है और बहन मोबाइल पे कुछ देख रही है, मूवी, वो मूवी डाउनलोड करके लेके आई थी, और सौरभ भी कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करके लेके आया था, तो सौरभ भी अभी सॉन्ग्स सुन रहा है और मैं बच्चा संभाल रही हूँ। नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, सौरभ भी बीच में थोड़ी देर के लिए मामा को कैरी किया था और बहन तो करती ही है, तो अभी मैं ही संभाल रही हूँ, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। कैब हमारा आ गया है और यहीं पे ही कहीं पे कैब रुका हुआ है, कॉल किया था जस्ट मैंने अभी अभी। ये जो राम भैया है ना जिनसे मैं कैब बुक करती हूँ, इतना रिस्पॉन्सिबल है वो लोग, फ्लाइट ट्रैक करते रहते हैं उस हिसाब से वो लोग टाइम पे एकदम पहुँच जाते हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा भी डिले हुआ है, बहुत पहले ही आके वो खड़े हैं इधर। तो चलिए अभी चलते हैं, गाड़ी का नंबर देख के एक बार हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग कैब में चढ़ के पहुँच जाएंगे घर। और बाहर इतना ज़्यादा ठंडी है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। आए तातरी, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो तमली का ये जो कंफर्टर है ना, ये इतना ज़्यादा काम आ रहा है, मामा को ढक तो दे रही हूँ बार बार, लेकिन वो बार बार कवर हटा दे रहा है अपने बॉडी से। मामा, ओ मामा की ठंडा बाबा जी, की ठंडा देखे नहीं, देखे नहीं वाले को, देखे नहीं, लाइट ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया, चलो एबार बाड़ी, कितने बजे आ रही है, छुट्टी खत्म, बाय बाय कोलकाता, बैक टू बेंगलोर। घर पहुंच गए हैं हम लोग, टाइम अभी हो रही है रात के 1:20, और मामा सो गई थी रास्ते में ही, उसको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बिस्तर क्लीन करके सुला दिया है, अभी कुछ देर में बेड कवर वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से घर पे नहीं थे, तो ऑब्वियस बात है पूरा मतलब सब कुछ धूल सा हो गया है, चारों तरफ बंद करके गए थे उसके बावजूद भी वैसा हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान भी फील हो रही है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।